सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जॉब ज्ञान। तो आज की जो मैं आपको अपडेट बताने वाला हूँ भाई, बहुत ही लेटेस्ट ये अपडेट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है डाक विभाग की तरफ से आ गई है डायरेक्ट वैकेंसी। तो इसके लिए आवेदन करने का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे जो है 10th कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपने यहाँ पे 12th कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक कर देना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अभी आपको जाना है और वहाँ पे आपको क्या है कि आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बताना है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, जिससे कि हमें वहाँ पे पता चलता रहता है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट हम आपको उसी से रिलेवेंट अपडेट कराएंगे जो आप कमेंट करके अपनी क्वालिफिकेशन को बताओगे। यहाँ पे आपको सेवा करने का भी मौका मिलेगा और मेवा यानी कि सैलरी भी, आपको दोनों यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यहाँ पे आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो देखो, जो लोग भी नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। कैसे फॉर्म को आवेदन करना है, कैसे फॉर्म को भरना है, ये जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सैलरी आपको 29,380 रुपये तक यहाँ पे आपको मिलने वाली है। बात करें पोजीशन की तो यहाँ पे 44,228 टोटल पोस्ट निकल कर आ रही हैं। इसके लिए आवेदन करने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा और मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का डायरेक्टली आपको अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दिया है। जाकर के चेकआउट करोगे तो वहाँ पे आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप 10th पास हैं या फिर 12th पास हैं तो ज़रूर से आवेदन करिए, पूरा प्रोसेस यहाँ पे जानने को मिलेगा। और चलिए दोस्तों, मैं आपको इसकी जो बेसिक डिटेल है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को भरना होगा। तो गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इंडिया पोस्ट वैकेंसी 2024 अप्लाई फॉर, 44,228 पोस्ट निकली हैं जिसमें पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पदों पर भर्ती निकली है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है, ये सभी जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पोस्ट मास्टर ब्रांच और यहाँ पे डाक सेवक के पदों पर ये भर्ती निकली है। इसके लिए यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि अगर आपने 10th और 12th पास कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए प्रोसेस क्या है, इसकी लास्ट डेट आपको 5 अगस्त 2024 देखने को मिलेगी। तो इसके लिए कुछ और भी यहाँ पे जो है बेसिक पॉइंट बताए गए हैं जो कि मैं आपको कवर करने वाला हूँ, इसी वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम, ठीक है, जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पदों पर, ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल जो पद देखने को मिलेंगे 44,228 पद देखने को मिलेंगे। जॉब कैटेगरी ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब देखने को आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे 15 जुलाई के लिए ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पे पोस्ट आउट किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे 5 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन के माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे, यहाँ पे स्केल आपका ये रहने वाला है 24,470 से लेकर के 29,380 रुपये तक देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो आपको मैंने यहाँ पे दे रखी है और आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन की, तो जैसा कि यहाँ पे पोस्ट नेम दे रखे हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री एंड 10th 12th मस्ट हैव टू एन एक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपने डिग्री या फिर 10th और 12th कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे 44,228 पद के लिए। बात करेंगे यहाँ पे एज लिमिट की, तो भाई यहाँ पे एज लिमिट आपकी देखेंगे तो मिनिमम जो एज रखी गई है वो यहाँ पे 18 वर्ष आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो आपको 40 वर्ष यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। पे स्केल जो कि मैंने आपको बताया कि सैलरी आपको यहाँ पे जो है वो यहाँ पे पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पदों पर जो भर्ती निकली है इसके लिए पे स्केल आपका 24,470 रुपये से लेकर के 29,380 रुपये तक यहाँ पे आपको वेतन देखने को मिलेगा। इसमें हम बात करें अगर एप्लीकेशन फ़ीस की, तो आप देखेंगे दी एप्लीकेशन सबमिशन फ़ीस ऑफ यहाँ पे जो है एस्पिरेंट्स आल कैंडिडेट्स के लिए जो है 100 रुपये का चार्ज है,
और यहाँ पे फीमेल एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नो फीस है, यानी कि कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। इम्पोर्टेंट डेट की अगर बात करें तो इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था 15 जुलाई 2024 को किया गया है, इसकी लास्ट डेट आपको 5 अगस्त 2024 देखने को मिलेगी। ये इसका ऑफिशियली मैंने नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, तो ये वैकेंसी निकली है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था 12/7/2024 के लिए, और यहाँ पे 15 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2024। और इसके में जो आपको फॉर्म भरना है वो कैसे फॉर्म भरना होगा ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे बताई गई है। इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसमें अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो एडिट कब तक करना होगा, इसकी एडिट की कौन कौन सी डेट है, सभी शेड्यूल के बारे में यहाँ पे जो है वो बताया गया है। जैसा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए थे, जैसा कि 15/7/2024 से और 5/8/2024 तक लास्ट डेट है। अगर इसमें आप फॉर्म गलत कर देते हैं तो करेक्शन की डेट जो है वो आपको 6/8 से लेकर के 8/8 तक देखने को मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि मैंने आपको बताया कि एज लिमिट आपको शुरू में बता दिया था, ठीक है, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष है और जो मैक्सिमम जो एज है वो यहाँ पे 40 वर्ष आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर बात करिए यहाँ पे एज रिलेशन के बारे में तो भाई यहाँ पे एज रिलेशन भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए तो 5 वर्ष से आपको देखने को मिलेगा, ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3 वर्ष देखने को मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए नो रिलेशन है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर है, ठीक है, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ओबीसी के लिए मतलब 30 ईयर है, और यहाँ पे अगर एससी एसटी कैंडिडेट हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो उनके लिए 15 वर्ष यानी कि 15 ईयर है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आपको एज रिलेशन देखने को भी मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया। सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, जो कि आप देख सकते हैं, दी एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, ठीक है, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन देखने को आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पे 12th का जो आपका मार्क्स होंगे उनको गेन किया जाएगा 10th और 12th का, ठीक है, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज मैंने यहाँ पे जो है मेन पॉइंट को कवर कर दिया है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन का जो PDF का फॉर्म है वो बहुत लंबा है, यहाँ पे 36 पेज दिए गए हैं, पूरी जानकारी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, ठीक है। अगर आपको पूरी जानकारी जाननी है, आपको नोटिफिकेशन भी देखना है, तो मैंने इसको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया है पूरी की पूरी अपडेट, जाकर के टेलीग्राम को मेरे देख लेना, वहाँ पे आपको पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और हाँ, कमेंट में अपनी क्वालिफिकेशन को जरूर से बताना, अपनी क्वालिफिकेशन है वो भी बता देना, आपने यहाँ पे जो है किस कौन सा आपने कोर्स कर रखा है, कौन सी डिग्री कर रखी है, वो सभी डिटेल बता देना, और किस स्टेट से आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी कमेंट करके बता देना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में।